हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आर्या कैरियर एकेडमी में। आज हम लोग 11 तारीख का सारे शिफ्ट का पेपर देखेंगे, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री। और मोस्ट पब्लिक कल या परसों से हम मैथ और रीजनिंग का भी सारे शिफ्ट का पेपर डालेंगे। तो अभी फिलहाल जीएस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसके रिलेटेड जो जो मेन चीज़ है उसको हम पूरा डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री, देखिए पहला मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री 1970 में, ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में पहले, तो इसको आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, 639, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना वो पीछे ईयर से रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हैपन, देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था, इसके पहले देखिए 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बैटल ऑफ बक्सर पूछ दिया जाए। और ये कब हुआ था ये भी देख लीजिए, 22 अक्टूबर, याद रखिएगा कभी कभी डेट पूछ देता है। और ये अलाहाबाद ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपको मुगल एम्परर शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, ये इंग्लिश की तरफ से थे, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, इन विच पंचवर्षीय योजना ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि जो इंडस्ट्री का बात होता है कि बहुत हैवी इंडस्ट्री, मगर यहाँ पर तो विलेज और खादी बोल दिया है, तो मगर आप लास्ट में देखिए ये कमीशन है, ये नहीं बोला है कि इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश हुआ था। वैसे इंडस्ट्री भी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था, जिसमें रसिया तीन फैक्ट्री बड़ा बड़ा बैठाया गया था, मगर यहाँ पर कमीशन का बात हो रहा है इसीलिए इसका सेकेंड पंचवर्षीय योजना आपका आंसर होगा। ठीक है, विच सिटी हैज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द न्यूज पेपर, तो देखिए इसको कलकत्ता बोलते हैं, कलकत्ता को बर्थ प्लेस बोलते हैं, और ये सबसे पहले ही की बंगाल गैजेट, ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था और कब स्टार्ट हुआ था, 1780 में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा चालू किया गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिके, ठीक है, इनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी, इसको आप लोग याद करें क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि 1780 में पहला न्यूज़पेपर कौन से सन में मतलब चालू किया जाता है इंडिया में, 1780 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच स्टेट इज डेवलपिंग मोस्ट ऑफ द यहाँ डेवलपिंग हो गया, प्रोड्यूसिंग होगा, प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द राइस, तो देखिए वेस्ट बंगाल होगा। उसी तरह और भी जान लीजिए कि वीट का जो हो गया ये हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, पल्सेस मतलब दाल वाल जो होता है उसके लिए मध्य प्रदेश हो जाता है, रबर के लिए कौन सा हो जाता है, केरला हो जाता है, टी के लिए कौन हो जाता है, असम हो जाता है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान देना क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में ये सब में से कोई पूछ दे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोटिवेट टू एस्टेब्लिश सोशल फैकल्टी, देखिए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन भी नहीं है, मगर इसका तीन चार आंसर हो सकता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा भी और या फंडामेंटल राइट के द्वारा भी आपको सोशल फैकल्टी होता है, मगर इसका आंसर नीति डायरेक्टर ऑफ स्टेट, बहुत लड़कों ने बोल रहा है कि ये ऑप्शन में था और बाकी ऑप्शन में नहीं था, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, व्हेन डिड द मिरर बिल्ट बाय एनी थिंग नियर इन द डिस्टेंट आई डिजीज, तो देखिए कोई भी चीज़ यदि रेटिना पर बनता है तो वो सबसे पहले उल्टा बनता है, उसके बाद वो ब्रेन में मैसेज आता है तो वो सीधा होता है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु कम टू इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये है ड्वाइट डेविड इसेनहोर, देखिए ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे उस समय, उसके पहले मतलब इंडिया से ताल्लुकात अमेरिका का अच्छा नहीं था क्योंकि सोवियत यूनियन रसिया से अमेरिका मतलब इंडिया का ज़्यादा ताल्लुकात था, इसलिए अमेरिका थोड़ा पार्टनरशिप में इंडिया और अमेरिका का पार्टनरशिप में थोड़ा सा मतलब कि डिस्टेंस था। और ये सब ये देख लीजिए कि ये कब आए थे, तो 9 दिसंबर 1959 को। ठीक है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल, तो ये लाहौर सेशन, ये पहले सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल इज द समान आचार सहित, तो देखिए आर्टिकल 44 ये क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है, ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था आपको 1949 में
कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। और इसमें बात होता है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का सबको जो कोई भी इक्वलिटी के लिए इसमें बात होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जाएगा या फिर इससे क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 42 को बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी याद कर लीजिएगा। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये पामिस्ट्रेन हो गए, ठीक है। 1857 की बहुत बड़ा माना जाता था विद्रोह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वेस्ट बंगाल, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये पता नहीं चला, मगर एक चीज़ याद रखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये यूएन द्वारा चलाया जाता है और ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। होम डिड एलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड, ये पोरस को डिफीट किए थे और ये लास्ट राजा थे जिनको एलेक्जेंडर ने डिफीट किया था। इसके आगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको रोके थे और इनका जो एलेक्जेंडर का सेना जो है वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बोला जाता है कि मलेरिया डिजीज़ हो गया था जिसे सेना बहुत सुपर नेचुरल थिंग में विश्वास करने लगा था और इसके चलते वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो यहाँ से एलेक्जेंडर अपना वापस चला गया था, ठीक है। तो माइकोलॉजी जो होता है ये फंगी के लिए होता है, देखिए ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो दोनों आप लोगों को पता ही होगा। गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एसेटिक लायन, ये भी सीजीएल प्रीवियस ईयर आ चुका है, 2016 का ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि सीएचएसएल में आपको अभी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको पीछे जाकर पढ़ लेना होगा एक बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 11 तारीख के शिफ्ट के ही हैं। विच बुक डिड नेल्सन मंडेला राइट, देख लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कन्वर्जेंस विथ माई सेल्फ, तो ये देखिए ये सीजीएल 2016 में आया था, ठीक है, तो ये और सीएचएसएल 2018 में फिर से आ गया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑन कन्वर्जेंस विथ माई सेल्फ, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द आर्टिकल 343 नोन फॉर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देखिए आर्टिकल 343 वो ऑफिशियल लैंग्वेज डील करता है, टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, ठीक है। व्हाट इज द सेलुलोज मेड ऑफ, देखिए सेलुलोज मेड ऑफ किस चीज़ से बना है, तो पॉलीसेक्राइड्स, देखिए इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड्स बना किससे होता है, ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड से बना होता है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बना, ये मोनोसेक्राइड्स होता क्या, ये शुगर, ठीक है, लाइक ग्लूकोज, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू, जो बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाता है उसी को पॉलीसेक्राइड्स बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द सन, देखिए फोटोस्फेयर, इसमें तीन पार्ट होता है, एक क्रोमोस्फेयर होता है, एक फोटोस्फेयर होता है और एक कोरोना होता है, तो सबसे आउटर में जो होता है ना ग्लोइंग पार्ट तो फोटोस्फेयर हो गया, मगर एक सरफेस होता है क्रोमोस्फेयर और सबसे बाहरी पार्ट होता है वो कोरोना होता है, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोरोड बाय द इंडिया, ठीक है, इस यूके, आपको ये सब याद रखना होगा कि फंडामेंटल राइट जैसे अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, तो वो जो एक पूरा पॉलिटी में जो है कि किससे क्या क्या लिया गया है वो चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा किसी भी बुक से। व्हेन डज द सन फॉल एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर, तो 20th मार्च 23rd मार्च, देखिए इक्वेटर पर सन कब डायरेक्टली फॉल करता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें चार चीज़ होता है कि डे नाइट बराबर होता है, डे कब बड़ा होता है, नाइट कब बड़ा होता है, तो वो चारों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो हम पीछे के वीडियो में एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, पीछे जाके देख लीजिए आप। हु बिल्ड द आगरा फोर्ट, देखिए अकबर कंप्लीटेड बाई शाहजहाँ, अकबर बनाए थे मगर उसको कंप्लीट कौन किया था, तो शाहजहाँ ने, ठीक है। हु वन द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2016, तो देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 कौन जीता, तो ये थोदूर मादाबुसी कृष्णा ऑफ इंडिया और वेजवादा विल्सन ऑफ इंडिया। अब देखिए मगर रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में और कुछ जान, ये कब चालू हुआ था, तो 1957 में, कंट्री कौन सा था, फिलीपींस, ठीक है, इतना जान गए आप लोग।
ये कितने कैटेगरी में होता है, 6 कैटेगरी में होता है। तो वो कौन कौन सा कैटेगरी है, तो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, कम्युनिटी लीडरशिप है, जर्नलिज्म एंड लीडरशिप है, उसके बाद पीस है, इमरजेंट लीडरशिप है। तो देखिए सबसे पहला जो रमन मैगसेसे मिला था वो इंडियन को ही मिला था, वो थे पंदुरंग शास्त्री अतवाले, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंडियन, ये करेंट का है इसलिए इसको पूछ दिया है 2016 में, इसके बाद किसी को मिला नहीं है इंडियन में, यही दो 2016 में मिला था। फर्स्ट बॉलीवुड स्टार टू फीचर इन द टाइम्स मैगजीन द परवीन बाबी, ठीक है। परवीन बाबी जो हैं वो पहले बॉलीवुड स्टार जो टाइम मैगजीन में किए थे, उनका आया था फोटो, फीचर्स हुए थे। अभी 2017 में कौन है टाइम मैगजीन का फीचर्स में, तो ये है साइलेंस ब्रेकर्स। ये कौन, ये 2017 में कौन फीचर्स है, तो साइलेंस ब्रेकर है, उनका फोटो आया हुआ है, सारे जो एक कम्बिनेशन है लोगों का, साइलेंस ब्रेकर उसका है नाम, आप लोग याद रखना कि 2017 में फीचर कौन है टाइम मैगजीन का, तो साइलेंस ब्रेकर। अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही अच्छा है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, ठीक है। महात्मा गांधी मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी CGL में आ चुका है, CHSL में आ चुका है, MTS में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन रे रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड, देखिए कुछ कुछ बुक में 22-23 सेकेंड दे देता है, मगर उससे आपको विचलित नहीं होना है, इसका 8 मिनट 20 सेकेंड ही आंसर याद कर लीजिए। देखिए मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरला में, तो आपको देखिए आपको बताते हैं, आप आगे देखिएगा कि और पूछा गया है कि मैथिली कहाँ बोला जाता है, तो आप एक बार लैंग्वेज देख लीजिए कि कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे तमिल में तमिल बोला जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है, उसी तरह भोजपुरी बिहार में बोला जाता है, ठीक है, मैथिली भी बिहार में बोला जाता है, मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरला में। नेक्स्ट चलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ ICC, देखिए अब ICC का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ये कब फॉर्म्ड हुआ था, तो 15 जून को 1909 में इसका फॉर्म्ड हुआ था। इसमें टोटल 104 मेंबर हैं, ठीक है, और इसका चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर। कौन है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन है ICC का, शशांक मनोहर। तो देखिए ICC से आपको सारा क्वेश्चन बता दिए हम, अब हेडक्वार्टर पूछा है तो दुबई में है, UAE में, अब पूछ सकता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, वो कब फॉर्म हुआ था, उसका चेयरपर्सन कौन है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इसका CEO कौन है, प्रेजेंट का CEO, तो वो है देव रिचर्ड सन, ये CEO हैं अभी ICC के। तो इससे सारे क्वेश्चन हो गया। देखिए हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोस्कोप, तो विलियम गिलबर्ट। देखिए इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इसके ऑप्शन में एक और लड़का लोग बताया है जैसे कि था, तो वो था जिन एंटोनी नोलेट, ऑप्शन में एक और था जिन एंटोनी नॉलेट, इन्होंने आविष्कार किया है ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जीन एंटोनी नॉलेट जो ऑस्मोसिस के आविष्कार को, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आप लोग को आ जाए कि ऑस्मोसिस का आविष्कार कौन किया है, ठीक है। इस तरह तो इलेक्ट्रोस्कोप का विलियम गिलबर्ट, ये CHSL में 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, PDF का भी पूछा जा चुका है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ बीजापुर अहमदनगर, ये आसान क्वेश्चन है। 12 ईयर ऑफ स्लेव वॉज रिटन बाई सोलोमन नॉर्थअप, देखिए इस चीज़ को आप लोग को पता हो या नहीं, 1853 में सोलोमन नॉर्थअप जो थे पहली बार इस चीज़ को नरेट किए थे, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला पर लिखा गया है, जो अभी डेट किए हैं फिलहाल ही 1.5 साल के अंदर पीछे में, तो इसीलिए ये फेमस है बुक, ठीक है। हु वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ 2016, तो देखिए अब 2016 का एक चीज़ आप देखिए, 2016 अब नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, तो हम ऑस्कर का 2018 का भी पूरा नेक्स्ट स्लाइड में रखे हैं, 16 का देख लीजिए,
एल्जेंड्रो गोंजेलिन इनेरी टू, ठीक है, ये 2016 का हो गया, ये पूछ दिया गया है सीएचएसएल 2018 में, मगर आपको 18 वाला भी पता होना चाहिए क्योंकि करेंट से पीछे में एक एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि 2018 में किसको ऑस्कर मिला है, ठीक है। अब देखिए, पहले मलयालम पूछा था और मैथिली लैंग्वेज पूछा गया है, 11 तारीख के ही शिफ्ट में दो लैंग्वेज पूछ लिया गया, तो हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में आ सकता है। मैथिली किस कहाँ बोला जाता है, बिहार में, ठीक है। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो जून 23 को। उसी तरह अभी आपको फिलहाल इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, 8 मार्च को सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, ये इंपॉर्टेंट है, करेंट का है, ठीक है। देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो देखिए आपको साइंटिफिक नेम से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस चीज़ को हमने पूरा साइंटिफिक नेम आगे दे दिए हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो पूरा जितने भी अभी तक के साइंटिफिक नेम एसएससी ने पूछे हुए हैं लमसम को हम एक कंपाइल करके लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल गॉट नोबल प्राइज़ फॉर पीस, तो देखिए ये एमनेस्टी इंटरनेशनल नोबल प्राइज़ पीस किस कब मिला था, 1997 में। चलिए देख लिए हम लोग, 40 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए। अब देखिए ऑस्कर 2018, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि द शेप ऑफ वाटर जो है, द शेप ऑफ वाटर मूवी है, बहुत बहुत ही अच्छा मूवी बना है इस साल, तो इसको बेस्ट पिक्चर का मिला है, गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर का मिला है, किसके लिए मिला है, द डार्केस्ट आवर के लिए मिला है, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है, थ्री बिलबोर्ड आउटसाइड इबिंग मिसोरी के लिए मूवी का नाम है, ठीक है, द शेप ऑफ वाटर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का। देखिए जैसे दो इसमें पूछा है कि 2016 में बेस्ट डायरेक्टर कौन है, उसी तरह ये पूछ सकता है कि 2018 में बेस्ट डायरेक्टर कौन है, ठीक है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म देखिए फैंटास्टिक वुमेन, ये भी बहुत अच्छा मूवी है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम आपको बताए थे कि हर एक शिफ्ट में प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, तो जो ये 2016 और 2017 में जितने भी रिपीट हुए हैं सबको हम लिख दिए एक साथ, और इस पर एक स्पेशल वीडियो भी हम बनाएंगे, इस तरह आप इसको एक बार कॉपी कर और याद करने का कोशिश करो, क्योंकि देखो ये हो गया आपको कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, तीन हो गया, अब एनिमल का देख लो, एनिमल का कैट कोबरा कैमल, देखिए इसमें आपको डॉल्फिन का पूछा जा चुका है, ठीक है, कैट भी पूछा जा चुका है, चीता पूछा जा चुका है, तो आपको सारे का एक बार याद होना चाहिए क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम आपका दो नंबर यहाँ से आना ही आना है, कन्फर्म है। देखिए गोट का पूछा जा चुका है, लायन का पूछा जा चुका है, ठीक है, रैबिट का पूछा जा चुका है, तो आप देख लीजिए एक बार। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम में लाइक कर सकते हैं, या फिर नीचे में कमेंट कीजिए यदि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए क्वेश्चन का, तो चलिए थैंक यू।